पढ़ा रहा हूँ, क्या वो समाज के काम आएगा, क्या वो पूरी व्यवस्था विश्व के काम आएगा, क्या वो अपने परिवार के काम आएगा। If you talk about Muni International School, the kind of impact that they have been able to create in the society, in the neighborhood where they exist, is immense. 12-year-old Bhumika, a student of Muni International School, a budget private school in West Delhi, has taken up the responsibility of cleanliness in her vicinity. जब तक ले हर आदमी जिम्मेवार नहीं होगा ना, तब तक ले बात तो नहीं बनेगी। Just like Bhumika, who has recruited kids from around her community and is leading the cleanliness drive at her locality in West Delhi. मैंने एक ग्राउंड साफ किया था जो मेरे घर के पास है, जहाँ पर हम हमेशा खेला करते थे, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह था, तो हमें अच्छा नहीं लगता था वहाँ खेलना और स्मेल्स भी आती थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस ग्राउंड को क्लीन करती हूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करी, चलो मिलकर ग्राउंड साफ़ करते हैं, और उसके बाद हमने ग्राउंड साफ़ किया था। सर, मेरे यहाँ पर हर बच्चा अपने आधा किलोमीटर घर की जिम्मेवारी लेता है, सोशल इविल से उनको दूर करने के लिए और उनकी हेल्थ पे काम करने के लिए। डेली अगर आप देखेंगे तो बच्चे क्लास डेली अपने आप क्लीन करते हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स आल्सो। मैंने सोचा अगर हम अपने स्कूल को क्लीन करते हैं तो क्यों उन्हें अपनी सोसाइटी को ही करें, और इसमें हमारा ही प्रॉफिट होगा। अभी वो ग्राउंड साफ है, अगर बाई चांस कोई कूड़ा फेंक रहा है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे कूड़ा मत फेंको, और वहाँ पे हमने एक डस्टबिन प्रोवाइड किया है। मैंने कहा मैं टैब डालूंगा, और ओनली टैब डालूंगा, बुक के साथ टैब नहीं। मैंने टैब लिया सर, फिर मैंने सोचा कि क्या ये वो ड्राइवर होंगे जो गाड़ी चलाना जानते हैं, पंचर नहीं। मैंने टैब की रिपेयर बॉडी खोल दी, और बच्चों का कि हर बच्चे को अपना टैब रिपेयर करना आना चाहिए। और आज मैं हैरान होता हूँ, बच्चे टैब खराब होता है खुद ही खोलते हैं, मार्केट सामान ला के जोड़ देते हैं। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड दस द मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट टेक लीडरशिप ऑफ देयर ओन लाइव्स and sharing responsibilities of others over textbook learning. Teacher कैसा होना चाहिए? वो facilitate करे जिस chapter को पढ़ाना है, उसके में काम करने के लिए उसको motivate करे बच्चे को, और तीसरा क्या हो, partner in the possibility of child. हम क्या कर रहे हैं, हम एक बांसुरी वाले की तरह या एक ring master की तरह बच्चों को चला रहे हैं, बच्चे जानते नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ बच्चा ही सब कुछ करता है, स्टडी करेगा तो वो खुद करेगा, इसके अलावा अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं तो वो खुद ही बनाएगा ये सब कुछ, और वो खुद ही फॉलो करेगा। द कॉरिडोर्स इन द स्कूल आर वेरी नैरो, बट यू विल सी दैट देयर इज अ डिवाइडिंग लाइन एंड देयर आर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। देखो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जनरली अगर मैं जनरल लाइफ में देखूँ तो हमें हर जगह दिखता ही दिखता है, लेकिन जनरली इसके बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं गया कि ये लगाया क्यों गया है। हमारे स्कूल में सिटिंग अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बच्चे ऐसे बैठे हैं, एक ग्रुप्स बने हुए हैं क्लास के अंदर, और हमारे हर क्लास में 6 ग्रुप्स बने होते हैं, बच्चे आपस में ग्रुप्स में बैठते हैं। बच्चा बच्चे को समझाता है कि उसने क्या समझा उस चीज़ से, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं GRS, ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम, यानी अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपने बड़ी अपने ग्रुप के साथ शेयर करना, और ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम कि अगर मुझे या मेरे बड़ी को कुछ नहीं आ रहा तो मैं अपने बड़ी को बताऊँ, या मुझे नहीं आता तो वो मुझे बताए। मेरे बड़ी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके बाद मेरी ग्रुप की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मैं अपने स्कूल में पहले वैल्यूज से स्टार्ट करता हूँ, फिर मॉडर्न एजुकेशन को वैल्यूज में इंक्लाइन करता हूँ। आपको मैथ आए ना आए, साइंस आए ना आए, CPR जरूर आना चाहिए। स्मॉल चाइल्ड, सो वी हैव टू पंप बाय टू फिंगर्स 20 to 22 times, एंड इफ पेशेंट इज टीनेजर, सो वी हैव टू पंप बाय 4 फिंगर्स 20 to 25 times। महीने की हर पहली तारीख को यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन होता है, जिसमें बच्चे वोटिंग करते हैं, MP MLA चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यस क्लास, MP कौन बनना चाहेगा? ओके, माधव जी को कौन वोट करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। 12 वोट्स फॉर माधव जी। सो आवर न्यू MPs आर माधव जी एंड स्वर जी। और फिर उनको उनकी ड्यूटीज़ बताई जाती है, MLA की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, MPs की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। ये बच्चे प्लानिंग करते हैं, और यही बच्चे स्कूल की पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, और हर बच्चे की टर्न आती है इसमें। मैंने पहले 3 साल स्कूल के अंदर एजुकेशन से किताबें हटा दी, हमने कहा सिर्फ वैल्यू समझाओ। पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया, कम्युनिटी ने ऑब्जेक्शन किया कि सर आपके स्कूल में तभी ये अच्छी बातें सीख रहा है,
पढ़ाई लिखाई कब सीखेगा, आप चिंता मत करो, इसको कम से कम हम ये सिखा दें कि हैबिट कैसे होगी, क्योंकि बचपन की वो डाली हुई हैबिट थोड़ा सा एज जाने के बाद वो कल्टिवेट हो चुकी होती है और वो ग्रो होती है। नंबर लाने वाले बने, क्लर्क बने, 100% क्लर्क बने, एम्प्लॉय बहुत अच्छे बने हैं, एम्प्लॉयर नहीं सर। मैं एक MBA करे हुए बच्चों को देखता हूँ जिसने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, नौकरी मांगने के लिए एक HR के पास खड़ा रहता है, तो कौन से बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे भाई, तुम तो नौकरी करोगे। मेरी इस एजुकेशन से, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियाँ करना सीख जाता है और छोटी गलतियों से अपने को ठीक करना सीख जाता है, तो एम्प्लॉयर बनने की तो गारंटी पक्का है सर। अब मैं नहीं जानता दुनिया एम्प्लॉय बनना चाहती है या एम्प्लॉयर।